हेलो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी है मटन लवाब दाल। ये एक बहुत ही टेस्टी और मसालेदार रेसिपी है, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। आप ज़रूर बनाइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल जायका इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बनाते हैं मटन लवाब दाल। दाल बनाने के लिए हमने आधा किलो मटन लिया है मटन की चाप पे। इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और दो चम्मच दही। इसको मिक्स करके गैस पे रख देंगे। हमें 3-4 सीटी लगाएंगे इसमें गलने तक इसमें, और जो पानी अगर बचेगा तो उसको खुश कर देंगे। दही है इसमें और मटन अपना पानी खुद छोड़ेगा, हमें पानी डालना नहीं है इसमें, सिर्फ ऐसे ही पकने देंगे। देखिए हमने मटन में 5 सीटी लगा ली है और मटन गल गया है सही से। अब इसमें जो ये थोड़ा सा पानी रह गया दही का, इसको हम खुश कर लेंगे बिल्कुल, और इसको फिर ठंडा करेंगे। मटन को हमने ठंडा कर लिया है, बाउल में रख लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, मटन में भी डाला था जब मटन को उबाला था, इसलिए कम नमक डालेंगे, और आधे नींबू का रस है। अब इसे हम हाथ से मिक्स कर देंगे। मटन को कॉर्नफ्लोर और नींबू में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला और जीरा पाउडर भी डाल देंगे। इसे भी मिक्स कर देंगे और फिर हम अपने ग्रेवी की तैयारी करते हैं। बनाने के लिए हमने 150 ग्राम प्याज को फाइन चॉप कर लिया है और 200 ग्राम के करीब टमाटर है, इन्हें उबाल के छील के और मिक्सी में पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है इनका भी। एक चम्मच कश्मीरी मिर्च है और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे जायके के हिसाब से, और आधा चम्मच कसूरी मेथी है, इसे हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच जीरा पाउडर, और 100 ग्राम के करीब हमने तेल लिया है इसे फ्राई करने के लिए और मसाला भूनने के लिए। और गरम मसाले में हमारे पास है छौंक लगाने के लिए 2 तेज पत्ते हैं छोटे छोटे, और 6-7 लौंग और 4-5 हरी इलायची, 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के और 2 बड़ी इलायची। कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है 4 बड़े चम्मच, और इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। प्याज को फ्राई करेंगे, 5-7 मिनट लग जाएंगे इसको गोल्डन ब्राउन करने हैं इसे हल्के हल्के से। जब तक हमारी प्याज होती है तब तक हम अपने मटन को जो हमने मैरिनेट करके रखा था उसको फ्राई कर लेते हैं। हमने दूसरे पैन में भी 4 बड़े चम्मच तेल के लिए हैं, इसमें हम ये फ्राई करेंगे ऐसे रखें। अच्छी तरह एक साइड से सेकेंगे, फिर पलट के सेकेंगे दूसरी साइड से। एक साइड से हो गया है, अब हमने पलट के दूसरी साइड से सेकेंगे। कितना बढ़िया हो गया है गोल्डन कलर के। सभी पीसेस को पलट देंगे।
हम इधर से भी सेक लेंगे 2 मिनट तक, और फिर उसके बाद में प्लेट में निकाल के अलग रख देंगे। देखिए प्याज भी गोल्डन ब्राउन होने लगी है और थोड़ी सी गुलाबी से। अब हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। प्याज के साथ भूनेंगे अच्छी तरह, इससे कच्चापन दूर हो जाए। चलिए 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। मटन हमारा फ्राई हो गया सही से। अब हम इसे तेल में से निकाल देंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हल्दी है 1/2 चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च है, धनिया पाउडर, पानी सूखने तक भूनेंगे। टमाटर भी भून गया है मसाले में, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, अच्छे से भून गया मसाला। अब हम इसमें एक गरम मसाला, जीरा पाउडर और 1 कसूरी मेथी को मिसल के डाल देंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे मसाले में। थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 चम्मच के बराबर और मसाले को भूनेंगे। अभी 6 से 7 मिनट लगे हमें मसाला भूनने में। और अच्छे से मसाला भून गया है, तेल ऊपर आ गया है इसमें। हमने नमक नहीं डाला था, अभी 1/2 चम्मच नमक डाल दिया, इसको भी मिला देंगे। और अब हम इसमें 150 ग्राम पानी डालेंगे। 150 से 200 ग्राम तक पानी डाल दिया था, अब पानी उबलने लगेगा तब हम इसमें इसकी ग्रेवी में मटन डाल देंगे। अब बस इसको 2 मिनट के लिए ढक के दम करेंगे और उसके बाद हम इसे डिश आउट। देखिए 2 मिनट तक हमने दम कर लिया है, बहुत अच्छा कलर आ गया हमारे मटन लगातार के, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे डिश आउट कर देते हैं। देखिए हमारी मटन लगातार की रेसिपी तैयार है। हम इसे और मज़ेदार रेसिपी बनी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कैसी बनी। दुआ में याद रखिए।